पाकिस्तान, तमाम मेंबर, तमाम भाई, तमाम दोस्त और नॉर्थ कराची चैम के तमाम हेडविंस और मेंबर्स को मुन्ने भाई का सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नॉर्थ कराची चैम का हेडविन बात कर रहा हूँ। मैं अभी आया हूँ फवाद भाई की छत पर। न्यू कराची कुरेशी पीजन के हेडविन हैं फवाद भाई, तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी मुझसे कि हमारी छत पर आएँ, हमारे कबूतरों की वीडियो बनाएँ। तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं इनकी छत पर आया हूँ। मैं इनसे भी आपको मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गौन भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया गौन भाई, आप इतना टाइम निकाल के मेरी छत पे आए। और बहुत अच्छा चैनल आपका चल रहा है माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे इंशाल्लाह। आप चलते हैं फवाद भाई की छत के ऊपर। मैं जा रहा हूँ, इनकी माशाल्लाह छोटी सी छत है पर शौक इनका बहुत अच्छा है, तो आपको मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर। तो ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है? ये फवाद भाई की छत पे हम आ गए हैं, इनका छोटा सा शौक है माशाल्लाह। और इनके सेती वगैरह भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये इनके सेती के कबूतर हैं, कबूतर दिखाता हूँ मैं आपको, चारों तरफ सेती सेती हैं। ये इनके सेती के कबूतर हैं, बिल्कुल करीबी छत है। और एक सेती इनका, ये आपको पिंजरा नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये सेती हैं इनके और बहुत ही करीबी सेती हैं ये। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। इनके सेती के कबूतर हैं माशाल्लाह। और जो ये सेती हैं आपको मैं बता देता हूँ, इनके पास भी काफ़ी अच्छे कबूतर हैं। इनका नाम है हसीब, हसीब नाम है इनका। ये 11 सीमन से शौक करते हैं। ये फवाद भाई के कबूतर खुल रहे हैं माशाल्लाह, कबूतर खुल गए इनके फवाद भाई के। काफ़ी अच्छा दाना पानी के हिसाब में इनके कबूतर हैं, खिलाई पिलाई भी अच्छी है। चिकनाव वगैरह भी इन्होंने आज बनाया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करिएगा। पहली हवा उठे हैं माशाल्लाह, अच्छी खिलाई पिलाई है, सीने कुंदे वगैरह खुले हैं इनके। मैं इनसे भी बात करता हूँ कि आजकल ये क्या खिला पिला रहे हैं। पहली हवा है, उतरता नहीं है कबूतर, बहुत मुश्किल होती है पहली हवा में इनको उतरने में। छोटी छत है पर शौक इनका बहुत अच्छा है। शायद आप लोगों को नज़र आ रहे हो, इन्होंने बादाम लगाए थे कल, मैंने इनको बताया था बादाम लगाएं, तो ये बहुत आसमान पे चढ़ गए हैं जैसे काबली उड़ रहे हो। तो फवाद भाई कुछ ज़्यादा आपने बादाम लगा दिए हैं, काफ़ी ऊपर चढ़ गए हैं, नज़र भी नहीं आ रहे हैं। धूप बहुत है ना, धूप की वजह से बहुत ऊपर चढ़ गए हैं ये। सावन भाई ये बादाम का सर नहीं है, माल खाया हुआ माशाल्लाह से। अब इनका माल कम होगा तो नीचे आएंगे जी। कौन भाई, आपने जो बादाम का बोला था ना, तो बादाम ही दिया इनको, कुछ मुझसे ज़्यादा जल गए। तो आपने जो चार का बोला था, मैंने आठ दे दी इनको, मेरे ज़्यादा जान आएगी तो इस वजह से ये लग गए। इंशाल्लाह आ जाएंगे अभी नीचे, ये थक जाएंगे तो कहीं लेके जा रहे हैं अभी दूर। ये फवाद भाई ने चिकनाव बनाया है और चिकनाव में हल्दी मिलाई हुई है इन्होंने, केस सीने कुंदे खुलते हैं। सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है, तो इन्होंने चिकनाव में हल्दी मिलाई हुई कबूतर के हिसाब से। हम बात करते हैं इस बारे में। कबूतर आसमान पे चढ़े हुए थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। कुछ कबूतर आ गए हैं नीचे, आधे कबूतर नीचे उतर गए हैं इनके, ये आ गए हैं आधे, और आधे आ गए हैं इनके, आधे आने वाले हैं। ये आधे आ रहे हैं इनके नीचे कबूतर, काफ़ी आसमान पे चढ़ गए थे इन्होंने, कुछ ज़्यादा बादाम लगा दिए थे। मैंने इनको चार बादाम का बोला था, इन्होंने आठ बादाम लगा दिए। ये उतर रहे हैं इनके कबूतर, और ये और भी रह गए हैं, काफ़ी रह गए हैं कबूतर इनके, और ये इनके कबूतर उतर गए। बहुत मुश्किल से इनके कबूतर उतरे, बहुत खिलाते हैं ये माल, और ऐसे ही आप लोग भी माल खिलाएं इंशाल्लाह ताला,
सांस बरकरार रहेगी कबूतरों की। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा हम लोगों का, बस इनके कबूतर हैं। काफ़ी धूप हो रही है तो इसकी वजह से वीडियो ज़रा अच्छी नहीं आ रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।